दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले में छठे चरण को लेकर हुए चुनाव का आज मतगणना जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित नालंदा कॉलेज में चल रहा है। लगातार हम रिजल्ट्स की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार शरीफ प्रखंड के दो पंचायतों का परिणाम घोषित हो गया है। हम आपको बताते चले कि बियावानी पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रमोद कुमार यादव चुनाव जीत गए हैं और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बबलू यादव को मुखिया पद में पराजित किया है। आपको बताते चले कि प्रमोद कुमार यादव को 1,062 वोट प्राप्त हुआ, जबकि बबलू यादव को 666 वोट प्राप्त हुआ है। और इस तरह से प्रमोद कुमार यादव बियावानी पंचायत से 396 वोट से चुनाव जीत गए हैं। वहीं अगर हम डुमरामा पंचायत की बात कर लें, क्योंकि डुमरामा पंचायत का भी रिजल्ट घोषित हो गया है और डुमरामा पंचायत से राजकुमार मांझी को 2,638 वोट प्राप्त हुआ, जबकि शंकर पासवान को 1,212 वोट प्राप्त हुआ है। और इस तरह से राजकुमार मांझी 1,426 वोट से डुमरामा पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव जीत गए हैं। वहीं डुमरामा पंचायत के पंचायत समिति पद पर इंदु वाला 2,820 वोट लाकर चुनाव जीत गई है। दोस्तों, लगातार हम आप तक रिजल्ट की अपडेट पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।